सबसे पहले आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग एक चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले कहता है कि अभी तक हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में ये देखे हैं कि कोई भी चीज़ का जब उत्पादन किया जाता है तो फैक्ट्री में किया जाता है। कहीं फैक्ट्री में हम लोग जाते हैं तो वहाँ बनता है, तो फिर हम लोग उसका देखते हैं कि मटेरियल कितना लगा, उसका वेजेस कितना लगा, फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगा, सब जोड़ लेते हैं तो जोड़ के अपने पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। फिर उसमें हम लोग प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं, तो प्रॉफिट को जैसे जोड़ लेते हैं वैसे उसका सेल प्राइस निकल जाता है या टेंडर प्राइस निकल जाता है। अब हाँ चीज ऐसा है जो फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है, कुछ ऐसे भी उत्पादन होते हैं जो फैक्ट्री में नहीं किए जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे उत्पादन है जो किसी खास जगह पर जाके करने पड़ते हैं। उस खास जगह पर जाइए आपका उत्पादन संभव है। अगर आप चाहिएगा कि उस खास जगह करें तो ये पॉसिबल है। जैसे उदाहरण के तौर पर पुल बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, ये सब क्या है? ये सब आपको वो खास जगह पर जाना पड़ेगा। अगर पुल बनाना है तो उस नदी पर जाना पड़ेगा जहाँ पर पुल बनाना है। कोई फैक्ट्री में बनाने वाला चीज़ नहीं होता है पुल की बनाए और जाके फैक्ट्री में उसको बनाकर और जाके पुल उसको वहाँ पर रख दिया। अगर आएगा भविष्य में ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा तो हो सकता है, लेकिन वर्तमान में तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि पुल बनाकर और नदी पर हम रख दिए तो पुल बन गया। तो पुल बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, रोड बनाना है। रोड बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? उस जगह पर जाना पड़ेगा जिस जमीन पर रोड बनाना है। तो वहां पर क्या होता है कि काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दो पार्टी होता है, एक पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है ठेका लेकर काम करना, और कॉन्ट्रैक्टी जो होता है वो होता है मालिक। जैसे मान लीजिए कि सरिया से लेकर बगोदर तक का रोड बनाना है तो राज्य सरकार हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टी, राज्य सरकार निकालेगी टेंडर और राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्टी हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टी हो जाएगी और वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी। अखबार में आएगा विज्ञापन कि कौन आदमी ऐसा रोड बनाने के लिए इच्छुक है, इतना लागत लगेगा, इतना पैसा लगेगा, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ आएगा। और जो इच्छुक रहेंगे उनको बनाने के लिए दिया जाएगा कि ठीक है आप इस पर काम कीजिए, आप रोड बनाइए, जो भी आपको पैसा है वो मिलेगा, उसका रेट पहले से तय रहता है कितना किलोमीटर का रोड बनाना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है जिसमें दो पार्टी होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक कॉन्ट्रैक्टी होता है। कॉन्ट्रैक्टी वो आदमी होता है जो संपत्ति का मालिक होता है, कॉन्ट्रैक्टर वो आदमी होता है जो काम करता है, और उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बनता है। इसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का परिभाषा दिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के बारे में कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग किसी खास पार्टिकुलर प्लेस पर ही काम करने का अंजाम है। अगर आप चाहिएगा कि हम फैक्ट्री में बनाकर वहां पर रखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग नहीं होता है, उसके लिए कॉस्ट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग किसी खास जगह पर होता है, जैसे पुल बनाना है, रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब कुछ भी करते हैं। अब इसका जो अकाउंट बनाया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इसका अकाउंट क्रिएट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक अकाउंट क्रिएट करता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिसको कहते हैं, उससे ये जानने का प्रयास किया जाता है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं तो कॉन्ट्रैक्टर ये सोचता है कि क्या हमको फ़ायदा हुआ इस ठेका को लेने से या घाटा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो कितना फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ तो कितना घाटा हुआ। तो दो बातें उसमें पता चलती है, या तो फायदा हुआ होगा या फिर नुकसान हुआ होगा। अब आपके पास अगर किताब है तो उसमें आप एक सीट देख लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का जो सीट होता है वो कैसा बनता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का जो स्पेसमैन है वो स्पेसमैन कैसा लगता है देखने में, उसमें क्या क्या आइटम डेबिट में आता है और क्या क्या क्रेडिट में आता है, उसको फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है तो उसमें दो बात बेसिकली ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है या कॉन्ट्रैक्ट अभी अनकम्प्लीट है। मान के चलिए कि अगर एक साल के अंदर पूरा होने वाला ठीका है तो एक साल में वो कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो एक साल में कम्प्लीट नहीं होते हैं, कई लंबे साल तक चलते रहते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये चलता रहता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीट हो गया है तो उसका बनाने का क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट है तो उसका क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग होगा।
तो ये देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है या कॉन्ट्रैक्ट अनकंप्लीट है। कंप्लीट है तो अलग तरीके से बनाएंगे और अनकंप्लीट है तो अलग तरीके से बनाएंगे, दोनों बनाने का तरीका अलग अलग होगा। अब आप आइए कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ हम लोग लिखते हैं। आप सीट को देखते जाइएगा, सीट को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखते हैं। तो क्या क्या लिखते हैं वो हम लोग सीट में देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के टू साइड में लिखा जाता है मटेरियल, यानी कोई भी चीज़ अगर हम बनाएंगे तो मटेरियल तो लगेगा ही, चाहे आप रोड बनाइए, चाहे आप ब्रिज बनाइए, चाहे स्कूल बनाइए, जो भी बनाइए वहाँ पर मटेरियल लगेगा ही लगेगा। तो जब मटेरियल लगेगा तो वहाँ पर मटेरियल को आप दो तीन हिस्से में बांटते हैं। जो टू साइड में मटेरियल लिखते हैं वो दो तीन हिस्से में बटा होता है, यानी कि वो मटेरियल आया कहाँ से, जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो मटेरियल कहाँ से लाया। तो वो जो मटेरियल लाया वो दो तीन तरीके से ला सकता है। सबसे पहले कि परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, खुले बाजार से वो मटेरियल को खरीद के ला सकता है। दूसरा होता है कि वो मटेरियल चाहे तो किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहा है वहाँ से सरप्लस मटेरियल है तो यहाँ पर भेज सकता है, तो ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट से भी हो सकता है मटेरियल आ सकता है। नेक्स्ट होता है कि कहीं स्टोर इसका बना हुआ है, कोई जगह पर ये स्टोर गोदाम बना के रखा है और वहाँ पर वो सारा मटेरियल को रखता है, तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र करके मंगा सकता है कि वहाँ से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट वो बनाता है तो उसके लिए अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्ट का नंबर देता है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर थ्री, या फिर उस जगह का नाम लिखता है कि सरिया कॉन्ट्रैक्ट या बगोदर कॉन्ट्रैक्ट या फलाना कॉन्ट्रैक्ट, वो उससे पता चल जाता है कि वो कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। तो ये दो बातें हैं, या तो उसमें नंबर लिख दे, और या तो नंबर अगर नहीं लिख सकता है तो उसमें वो जगह का भी नाम लिख सकता है कि किस जगह का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद ये क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो टू साइड में सबसे पहले मटेरियल आ गया। मटेरियल तीन चार तरीके से हो सकता है, एक तो ओपन मार्केट में खुद खरीद के ले सकता है, अगर ओपन मार्केट में अवेलेबल है तो ठीक है, अगर ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो अपने गोदाम से वो मंगा सकता है, तो इशू फ्रॉम स्टोर कर सकता है। अगर इशू फ्रॉम स्टोर भी नहीं है तो कहीं और कॉन्ट्रैक्ट में सामान रखा हुआ तो वहाँ से भी माल उठा के भिजवा सकता है। तो ये हो गया मटेरियल का भाग, तीन तरीके से मटेरियल हुआ। दूसरा नंबर में जो चीज़ आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के दूसरा नंबर का जो चीज़ है वो कहलाता है डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का मतलब होता है कि आप जो मजदूरी का पैसा दे रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आता है, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है तो उसमें मजदूरी बहुत ज़्यादा लगता है, मजदूरी का पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो जो मजदूरी का पैसा आप देते हैं वो टू अकाउंट में लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के टू साइड में लिखा जाता है मजदूरी का पैसा टू में। और उसमें जो डायरेक्ट वेजेज आप लिखते हैं उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई खर्चा बाकी है, आउटस्टैंडिंग कोई वेजेज है, तो वो आउटस्टैंडिंग वेजेज को भी उसमें जोड़ना पड़ता है। वेजेज के साथ में अगर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो उसको भी उसमें जोड़ना पड़ता है। वेजेज तो लिखते ही है और उसके साथ अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग वेजेज को भी जोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा देना पड़ रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट आइटम, चौथा आइटम जो होता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है अप्रत्यक्ष खर्चा, कुछ खर्चा ऐसा होता है जो इनडायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट पर करना पड़ता है। और इनडायरेक्टली में जैसे होता है कि मैनेजर का सैलरी हो गया, मैनेजर का रेमुनरेशन हो गया, ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गया, इंजीनियर और टेक्नीशियन का सैलरी हो गया, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी उसमें लिखा जाता है टू साइड में। फिर टू साइड में लिखा जाता है प्लांट एंड मशीनरी। टू साइड में लिखा जाता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में दो बातें हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। प्लांट एंड मशीनरी में अगर प्लांट या मशीन उसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रहा है तब तो प्लांट का पूरा कीमत टू साइड में लिखेंगे, और जो उसका अंतिम वर्ष के अंत में जो वैल्यू बच जाएगा वो बाई साइड में लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए सरिया कॉलेज का बिल्डिंग बनाने के लिए, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो बिल्डिंग को जब हम बनाना शुरू किए तो वहाँ पर कुछ मशीन को हम लगाएं, तो मान के चलिए कि हम जो मशीन लगाए हैं वो 5 लाख रुपया का मशीन लगाएं शुरू में, या 50 लाख का कोई मशीन लगाएं, वो 50 लाख का जो मशीन लगाएं तो वो शुरू में हम टू साइड में लिख देंगे 50 लाख। अब जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो काम जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही कंप्लीट होते उसका हम वैल्यू निकालेंगे कि लास्ट में उसका वैल्यू कितना बचा,
जितना उसका वैल्यू बचेगा वो हम लिखेंगे बाई साइड में। टू साइड में लिखेंगे जब शुरू का कीमत है, जैसे 50 लाख रुपया कीमत है तो टू साइड में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 50 लाख रुपया, और हम एक साल काम कर लेंगे उसके बाद उसका वैल्यू देखेंगे कि क्या बचा एक साल के बाद। अगर उसका वैल्यू 45 लाख बचा है तो बाई साइड में हम लिखेंगे 45 लाख रुपया प्लांट एंड मशीनरी। एक तो ये तरीका है। अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है, कई वर्षों तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, तीन वर्ष तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा या एक से ज़्यादा वर्ष कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तो वैसे स्थिति में आप उसका ओपनिंग वैल्यू टू में नहीं लिख सकते और उसका क्लोजिंग वैल्यू बाई में नहीं लिख सकते हैं। वैसे स्थिति में क्या है कि प्रत्येक वर्ष का आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, और जो डेप्रिसिएशन निकालिएगा प्रत्येक वर्ष का वो आपको टू साइड में लिखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक साल का कितना हुआ, जो आपको टू में लिखना है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एक से ज़्यादा साल मशीन चलता है तो उसका डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए, अगर एक ही साल मशीन चलता है तो उसका ओपनिंग वैल्यू जो है वो टू में लिखना चाहिए और उसका जो क्लोजिंग वैल्यू है वो बाई में लिखना चाहिए। और तीसरी बात कि अगर एक ही मशीन कई जगह प्रयोग हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक ठेकेदार है कई जगह वो बनाने में मशीन का प्रयोग कर रहा है, कभी सरिया में मशीन लाता है, कभी बगोदर में मशीन लाता है, कभी राजधनार में मशीन ले जाता है, एक ही मशीन को कई जगह यूज कर रहा है, तो फिर सरिया में भी मशीन का खर्चा है, बगोदर में भी मशीन का खर्चा है, राजधनार में भी मशीन का खर्चा है, तो वहाँ पर वो घंटा के हिसाब से निकालेगा कि एक घंटा का मशीन का खर्चा क्या है, जो आप MHR में देखें, मशीन आवर रेट में जो आप देखें, वहाँ पर निकालेगा कि एक घंटा मशीन को चलाने का खर्चा कितना है। अगर सरिया में चला 50 घंटा तो 50 से उसको गुना कर देगा और वो सरिया वाला कॉन्ट्रैक्ट में वो खर्चा लिख देगा। अगर राजधनवर में चला 100 घंटा तो 100 से उस MHR को गुना कर देगा, 100 घंटा का वो खर्चा आ जाएगा और वो राजधनवर वाला कॉन्ट्रैक्ट में लिख देगा कि 100 घंटा मशीन चलाने में ये खर्चा लगा है। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर तीन तरीका है, अगर एक मशीन एक ही जगह एक ही साल चला तो शुरू में उसका टू साइड में उसका फुल वैल्यू लिख देंगे और बाई साइड में साल के अंत में जो उसका क्लोजिंग वैल्यू बचेगा वो लिख देंगे। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा है कि अगर मशीन एक साल में नहीं काम कंप्लीट कर पाएगा, 2-3 साल लग जाएगा, तो वैसे स्थिति में एक साल का जितना डेप्रिसिएशन है वही सिर्फ टू साइड में लिखेंगे। और तीसरा तरीका है कि अगर एक मशीन कई जगह अलग अलग प्रयोग में लिया जा रहा है, कभी सरिया, कभी बगोदर, कभी राजनवर, तो जहां पर जितना घंटा का लगेगा डेप्रिसिएशन वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट में उतना घंटा का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर देंगे। तो ये प्लांट मशीनरी पर थोड़ा ध्यान रखने का बात है। नेक्स्ट इसमें आइटम आता है कि प्लांट और मशीनरी को अगर बेचा गया है, बाय द वे प्लांट और मशीनरी को बेचा गया और बेचने से किसी तरह का प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट को भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू साइड में लिखा जाता है कि टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, और अगर प्लांट को बेचने से लॉस हुआ है तो वो बाई साइड में लिखा जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट बाई साइड में होगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट टू साइड में होगा। नेक्स्ट आता है इसमें सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कई बार कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, अभी हम टू साइड का आइटम में ही चल रहे हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि अपना जो ठेका है वो अलग अलग ठेकेदार के बीच में दे देता है। अपना ठेका का मतलब है कि अगर एक बिल्डिंग बनाने का कोई ठेकेदार ठेका लिया है तो एक ही ठेकेदार सारा काम नहीं कर पाए, वो क्या करेगा कि एक ठेकेदार उसमें से छोटा छोटा ठेका बना देगा, जैसे एक प्लम्बर को दे देगा कि देखो खाली पानी का पाइप का काम तुमको, वॉश बेसिन और लैट्रिन बाथरूम का फिटिंग्स वगैरह तुम्हारा काम है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट में उसको दे दिया। एक वो सब कॉन्ट्रैक्ट में दे देगा इलेक्ट्रिसिटी वाले को कि देखो वो पूरा बिजली का काम तुमको करना है, ये तुम्हारे जिम्मा में है। एक सब कॉन्ट्रैक्ट में दे देगा लकड़ी वाले को कि ये देखो पूरा दरवाजा खिड़की लगाना तेरा काम है। एक दे देगा सब कॉन्ट्रैक्ट में ये वाल पुट्टी करने वाला को या रंगाई पुताई करने वाला को कि देख लो बाबू वाल पुट्टी और रंगाई पुताई कराना तेरा काम है, तुम इसको देख लेना। तो इस तरह से ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहलाता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जब अलग अलग भाग में बांट बांट के अलग अलग लोग को दे देता है तो उसको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी एक खर्चा है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के टू साइड में आता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। जब भी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जब एग्रीमेंट बनता है तो उस समय एक नक्शा पहले ही तय कर लिया जाता है कि भैया इसी नक्शा के अनुसार से काम करना है, ना नक्शा में हम चेंज करेंगे ना नक्शा में आप चेंज कर सकते हैं, आपस में हम लोग को कोई नक्शा चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। वैसी स्थिति में उस नक्शा के अनुसार तो कॉन्ट्रैक्टर काम करता ही रहेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टी के मन में कुछ आया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर के मन में कुछ भी बदलता है विचार, तो वो एक्स्ट्रा वर्क डन कहलाएगा कि वो आपका नक्शा के अतिरिक्त किया हुआ खर्चा है। और एक्स्ट्रा वर्क डन में अगर कोई खर्चा होगा तो वो भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा वर्क डन क्या हुआ है, वो टू साइड में लिखा जाएगा।
प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। कई बार होता है कि ठेकेदार ये मान के चलता है कि अगर वस्तु का दाम भविष्य में बढ़ता गया, लॉकडाउन जैसे अभी लगा हुआ, तो अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो अभी सारा चीज का दाम बढ़ा हुआ है, सीमेंट लेने जाइए उसका दाम बढ़ गया है, सब कुछ का दाम बढ़ गया लॉकडाउन में। तो फिर ऐसा स्थिति में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होगा और काम करना चाहेगा तो उसका तो पैसा खर्चा ज्यादा होगा, तो उसके लिए वो कंटिंजेंसी में कुछ पैसा हमेशा जमा करके रखता है कि अगर कोई दाम में फ्लक्चुएशन आएगा तो इसी से हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये हो गया आपका टू साइड का मटेरियल। टू साइड में क्या क्या जो आइटम आता है ये लगभग लगभग आपको बता दिए हैं। ये अभी आप ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, दो बात है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो अलग बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो अलग बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो उसका टू में क्या क्या आता है वो हम आपको बता दिए। अब आइए कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाई में क्या क्या आता है, सीट को आप देखिएगा तो उसमें बाई में क्या क्या आइटम आता है वो आपको मिल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बाई में क्या क्या आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बाई में सबसे पहले आता है मटेरियल एट साइट, कि काम अगर कंप्लीट हो गया तो जो साइट है मैंने जो कार्य का स्थल है जहां पर आप काम कर रहे थे वहां पर कितना का मटेरियल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है प्लांट का डेप्रिसिएशन घटा के उसका क्लोजिंग वैल्यू, जो पहले भी आपको बताए हैं कि अगर उसका ओपनिंग वैल्यू आप टू में लिखते हैं तो क्लोजिंग वैल्यू उसका बाई में लिखिएगा। अगर प्लांट आपने बीच में रिटर्न किया है तो जो भी प्लांट आपने रिटर्न किया है वो भी टू में लिखना पड़ेगा, और अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो डेप्रिसिएशन इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा। अगर मटेरियल रिटर्न किए हैं तो वो मटेरियल रिटर्न भी इसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप मटेरियल को सेल किए हैं तो बाय में सेल ऑफ मटेरियल लिखना पड़ेगा। प्लांट को अगर आपने सेल किया है तो बाय में सेल ऑफ प्लांट को लिखना पड़ेगा। अगर मटेरियल और प्लांट को बेचने से किसी भी तरह का लॉस हुआ है तो बाय में पीएल अकाउंट के हेडिंग में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट या लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल लिखना पड़ेगा। अगर मटेरियल आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिए हैं तो वो भी बाय में आपको लिखना पड़ेगा कि बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्लांट किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर किए हैं तो वो भी बाय में लिखना पड़ेगा कि प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्लांट आपका डिस्ट्रॉय हो गया है या चोरी हो गया है या लॉस हो गया है तो वो भी बाय में आपको लिखना पड़ेगा कि बाय पीएल अकाउंट और उस हेड में या तो प्रॉफिट या तो प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ है बाय पीएल अकाउंट के हेडिंग में, बाय प्लांट पीएल अकाउंट के हेडिंग में, या तो प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ होगा या मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ होगा या जो भी डिस्ट्रॉय हुआ होगा या लॉस हुआ होगा या चोरी हुआ होगा तो वो आपको लिखना पड़ेगा। अब इस तरीके से टू और बाय का सब आइटम आ गया, और अभी आपको हम क्या बताएं कि अभी हम वो सीट बता रहे हैं जिस सीट में ये मान के आप चल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाय साइड में लिखना पड़ता है बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और बाय में जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट का फुल वैल्यू लिख दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का जितना वैल्यू है वो फुल वैल्यू उसमें लिख दिया जाता है, 10,000, 20,000, 50 लाख जितना का ठेका था वो सारा ठेका का कीमत उसमें लिख दिया जाता है, जितना का भी ठेका था वो सारा ठेका का प्राइस उसमें लिख दिया जाता है। जितना का ठेका था वो सारा ठेका का वैल्यू उसमें बाय में लिख दिया जाता है, बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखा जाता है, वर्ड जो यूज किया जाता है वो बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है जितना का भी ठेका 10 लाख 20 लाख 50 लाख वो पूरा का वैल्यू उसमें लिख दिया जाता है बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख के। जबकि अगर अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो यही जो बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखे है वो नहीं लिखते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, तो जो बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखा जाता है वो उसमें नहीं लिखा जाता है। हम आपको पहले ही बता दिए कि अभी हम वो वाला बना रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीट है, तो बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं कि टू में डिफरेंस आ रहा है कि बाय में डिफरेंस आ रहा है। अगर टू में डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो टू पीएल अकाउंट लिखेंगे और जो प्रॉफिट होगा सो आ जाएगा। और अगर बाय में डिफरेंस आ रहा है तो बाय में वो डिफरेंस जो आएगा वो लॉस होगा, और बाय में पीएल अकाउंट लिख के वो लॉस को हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है एक साल के अंदर तो ऐसा सीट में बनाना पड़ता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट है, एक साल में पूरा नहीं हुआ है, तो उसको बनाने का थोड़ा सा उस सीट से थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। अंतर क्या आता है सो मैं हम आपको बताते हैं। इसका फिर टू साइड में आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट है तो इसके टू साइड में क्या क्या आता है। तो हम एक सिरे से आपको पढ़ के सुना देते हैं जो पहले भी आपको डिस्कशन में हम लेके बताए हैं कि सबसे पहले मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, मटेरियल परचेज,
मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, स्टोर कंज्यूम, प्लांट का सिर्फ डेप्रिसिएशन, अगर अनकम्प्लीट है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन, अगर कंप्लीट है तभी ओपनिंग प्राइस 2 में और क्लोजिंग प्राइस 2 में, लेकिन अगर अनकम्प्लीट है तो उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन उतना पीरियड का। उसके बाद अगर वेजेज है, डायरेक्ट वेजेज है तो डायरेक्ट वेजेज, उसमें आउटस्टैंडिंग है वो जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें आउटस्टैंडिंग है तो वो जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो जोड़ेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क डन है तो वो जोड़ेंगे। इतना हो गया 2 का आइटम, जो लगभग लगभग वहाँ भी था। बाई के आइटम में आइए, बाई के आइटम में आपका मटेरियल एट साइट जो वहाँ भी था, प्लांट का अगर क्लोजिंग बैलेंस लिखे उधर ओपनिंग लिखना, अगर क्लोजिंग लिखना चाहते तो वैसा भी कर सकते, तो जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद प्लांट अगर रिटर्न किए हैं, मटेरियल रिटर्न किए हैं, मटेरियल को बेचे हैं, प्लांट को बेचे हैं, प्रॉफिट लॉस अगर हुआ है, लॉस हुआ है अगर बेचने से तो मटेरियल को अदर मटेरियल में ट्रांसफ़र किए हैं सो, प्लांट को अगर अदर में ट्रांसफ़र किए हैं सो, और पीएल अकाउंट में अगर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है तो इस तरह से प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ, मटेरियल स्टॉलन हुआ, मटेरियल लॉस्ट हुआ, ये तो ये लगभग लगभग कुछ कुछ आइटम सेम था। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, हम आपको बेसिकली बता रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अनकम्प्लीट का बनेगा तो बाय में इसका एक वर्ड आएगा, बाय में वर्क इन प्रोग्रेस, और ये जो बाय में वर्क इन प्रोग्रेस आएगा उसमें दो वर्ड लिखना है, एक अमाउंट लिखा जाएगा वर्क सर्टिफाइड और एक अमाउंट लिखा जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड, जो कि कंप्लीट वर्क वाले में ये नहीं लिखा जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट है तभी लिखना है बाय में वर्क इन प्रोग्रेस, और बाय में वर्क इन प्रोग्रेस जो होगा वो दो भाग में होगा, एक वर्क सर्टिफाइड होगा और एक वर्क अनसर्टिफाइड होगा। अब ये है क्या, कई बार काम जब होता है तो उस काम को पूरा करने के लिए इंजीनियर के द्वारा सर्टिफिकेट मंगवाना पड़ता है कि इंजीनियर सर्टिफिकेट देगा कि कितना काम आपका कंप्लीट हुआ है, और जितना काम कंप्लीट हुआ है उसी के अनुसार से आपको पैसा मिलेगा, जितना का आप सर्टिफिकेट लाइएगा इंजीनियर से उतना ही का आपको कैश रिसिप्ट होगा। अगर इंजीनियर बोलेगा कि 10% काम हुआ है तो आपका मालिक आपको 8% पैसा देगा, अगर इंजीनियर बोलता है कि 20% काम हुआ है तो उसका 18% पैसा देगा, कभी भी मालिक आपको पूरा पैसा नहीं देगा, जितना इंजीनियर सर्टिफाई करेगा उसका कम में पैसा देगा। क्यों कम पैसा देगा, जो बीच का जो पैसा वो कहलाता है रिटेंशन मनी, वो पैसा वो रोक के रख लेगा, इसलिए रोक के रख लेगा कि अगर इन फ्यूचर आप भाग जाइएगा काम करते करते तब क्या होगा, तो इन फ्यूचर अगर आप भाग जाइएगा तो आपका पैसा फंसा हुआ रहेगा तो आप भाग नहीं पाइएगा, इसीलिए पैसा आपका कुछ पैसा रोक के रखा जाता है, तो उसको कहते हैं रिटेंशन मनी। तो खैर यहाँ पर रिटेंशन मनी लिखना नहीं है, कैश रिसीव्ड हुआ उसको लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखना है वर्क सर्टिफाइड यानी इंजीनियर के द्वारा कितना सर्टिफाइड हुआ है, और लिखना है वर्क अनसर्टिफाइड। कई बार ऐसा भी होता है कि काम पूरा तो हो जाता है लेकिन इंजीनियर उसका सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है, तो वो भी पैसा आपका खर्चा हुआ, तो वो वर्क अनसर्टिफाइड आपको लिखना है। तो यही चीज आपका है जो अनकम्प्लीट वर्क है उसमें बाय साइड में लिखना पड़ता है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस में एक वर्क सर्टिफाइड और एक बाय में वर्क अनसर्टिफाइड, ये आपका हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस करेंगे। अगर बाय साइड में डिफरेंस आया तो वो तो लॉस हो गया, लेकिन टू साइड में अगर डिफरेंस आया तो वो प्रॉफिट नहीं हो सकता है, वो कहलाएगा बैलेंस सीडी, और फिर वो बैलेंस सीडी आगे जाके बन जाएगा बैलेंस बीडी, और उस बैलेंस बीडी का फिर दो हिस्सा होगा, सीट में भी देखिएगा, उस बैलेंस बीडी का दो हिस्सा होगा, एक हिस्सा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा और एक हिस्सा पीएल अकाउंट में जाएगा, यानी अभी तक आप जो काम किए उसमें जितना प्रॉफिट हुआ वो पीएल में जाएगा और जितना बच गया डिफरेंस पैसा वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो ये हो गया कि अगर कंप्लीट नहीं है काम, अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो इस तरीके से बनता है, और अगर कंप्लीट है तो पहले वाले तरीके से बनता है, और दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया गया है कि कंप्लीट वाले में बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखा जाता है, अनकम्प्लीट वाले में बाय में कॉन्ट्रैक्टी नहीं लिखा जाता है, अनकम्प्लीट वाले में बाय में वर्क इन प्रोग्रेस लिखा जाता है, कंप्लीट वाले में बाय में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखा जाता है। जब कंप्लीट हो जाता है तो अगर टू में बैलेंस आता है तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट कहलाता है, लेकिन अनकंप्लीट वाले में अगर टू में बैलेंस आता है तो वो प्रॉफिट नहीं कहलाता है, वो बैलेंस सीडी कहलाता है, और उस बैलेंस सीडी का फिर हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं
कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, और उसके बाद जो डिफरेंस होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। तो ये दोनों अलग अलग हो गया, एक वर्क कंप्लीट वाले का और एक अनकंप्लीट वाले का। अब जो प्रॉफिट से कन्वर्ट होता है, मतलब अनकंप्लीट वाले में हम बात कर रहे हैं, अनकंप्लीट वाले में जो बैलेंस सीडी आया और उस बैलेंस सीडी से जो हम पीएल निकालते हैं, प्रॉफिट जो निकालते हैं, उसको निकालने के लिए चार चीज ध्यान से सोचना पड़ता है। क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो चार चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला चीज देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितने का, यानी ठेका था कितने का। जितना का ठेका था उसका वर्क सर्टिफाइड कितना है। अगर मान लीजिए 50 लाख का ठेका था तो उसमें वर्क सर्टिफाइड कितना है। अगर 50 लाख का ठेका था तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या 1/4 से कम काम हुआ है, यानी अगर 50 लाख का ठेका और वर्क सर्टिफाइड 12.5 लाख से कम है तो हम इसको कहेंगे कि लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर ठेका 50 लाख का है और 1/4 से ज़्यादा काम हुआ है लेकिन 2/3 से कम हुआ है तो प्रॉफिट का अलग कैलकुलेशन होगा। अगर ठेका जितना का है उसमें 2/3 से ज़्यादा काम हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसका अलग कैलकुलेशन होगा। और ठेका अगर लगभग लगभग कंप्लीट है, 95% 96% के लगभग आ गया है तो उसका अलग प्रॉफिट होगा। तो अनकंप्लीट वाले में प्रॉफिट निकालने के लिए जो बैलेंस सीडी से हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, बैलेंस सीडी ट्रांसफर करेंगे और उसका दो हिस्सा करेंगे, एक पीएल अकाउंट में ले जाएंगे और एक वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वो जो पीएल अकाउंट में ले जाएंगे उसमें चार चीज सोचना पड़ेगा कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है तो अलग कैलकुलेशन होगा। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से ज़्यादा और 2/3 से कम है वर्क सर्टिफाइड तो अलग कैलकुलेशन होगा। अगर वर्क सर्टिफाइड 2/3 से ज़्यादा लेकिन कंप्लीट से कम है तो अलग कैलकुलेशन होगा। और अगर वर्क लमसम कैलकुलेट है तो उसका अलग कैलकुलेशन होगा। तो ये चार फार्मूला है, वो किताब में भी लिखा हुआ है। उस फार्मूला को अगर आप देखिएगा तो देख सकते हैं कि उसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है, कि अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है तो प्रॉफिट का डिटरमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है वर्क सर्टिफाइड, इफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देन देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वैसे स्थिति में प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 से ज़्यादा लेकिन 2/3 से कम है तो प्रॉफिट का फार्मूला लिखा हुआ है कि टोटल बैलेंस सीडी इंटू 1/3 इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर वर्क सर्टिफाइड 1/2 से ज़्यादा लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा, जो टोटल प्रॉफिट था यानी जो बैलेंस बीडी था इंटू 2/3 इंटू कैश रिसिप्ट बटा वर्क सर्टिफाइड। दोनों फार्मूला में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाले में 1/3 है और नीचे वाले में 2/3 है। और अगर प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं कि लमसम काम कंप्लीट हो गया है, लगभग काम कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए फार्मूला दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है जो बैलेंस बीडी या एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो इंटू कैश रिसिप्ट बटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और दूसरा फार्मूला होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट यानी बैलेंस सीडी इंटू वर्क सर्टिफाइड बटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस दोनों फार्मूला में एक ही अंतर है, एक जगह कैश रिसिप्ट लिखा हुआ है और एक जगह वर्क सर्टिफाइड लिखा हुआ है। तो ये हो गया अनकम्प्लीट वाले में प्रॉफिट निकालने का कैलकुलेशन।